रोहित में इंदौर ने मारा शतक और दिल्ली मुंबई भूकंप से हिल गई। पत्नी ने लगाया था जीत का टीका, शतक लगाते ही ताली बजा रही थी रितिका। 3 साल का सूखा खत्म, रोहित ने साबित किया बाजुओं में अब भी बहुत है दम। 9 चौके 6 छक्के, इंडिया में बटने लगी मिठाई, खोया रोहित वापस मिल गया था। रोहित चौके छक्के लगा रहे थे, विराट सूर्या उछल उछल कर ताली बजा रहे थे। रोहित ने सिखाया हार नहीं मानना है, टीम से बाहर हुए तो भी फर्क नहीं पड़ा। 1461 दिन यानी करीब 35,064 घंटे के बाद खत्म हो गया था शतक का सूखा। रोहित ने अपने आखिरी वनडे में शतक 19 जनवरी 2020 को लगाया था, लेकिन आज जब शर्मा जी का लड़का अपने असली अवतार में आया तो दिल्ली से मुंबई तक भूकंप से हिल गई। रोहित के बल्ले के आगे न्यूजीलैंड के गेंदबाज पानी मांग रहे थे, रोहित के चौके पर टकरा कर गिर जा रहे थे, फील्डर गेंद लाते लाते थक चुके थे, न्यूजीलैंड के कैप्टन की हालत खराब थी। सोचा था कि रोहित हर दिन की तरह आज भी जल्दी आउट हो जाएंगे, क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगा भारत, लेकिन रोहित के बल्ले ने ऐसा धाक जमाया कि न्यूजीलैंड के सारे धुरंधरों की धमक धरी की धरी रह गई। आखिरी बार रोहित शर्मा ने 19 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु वनडे में 119 रनों की पारी खेली थी। इस शतक के बाद रोहित ने 16 वनडे मैच खेले, हाईएस्ट स्कोर 83 रन का था, वो भी इसी साल श्रीलंका के खिलाफ आया था, मगर रोहित अच्छी शुरुआत को शतक में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। रोहित ने जो सबसे हाईएस्ट 83 का स्कोर बनाया था वो भी ज्यादा दिन पहले नहीं आया था, लेकिन रोहित को उम्मीद थी कि वो शतक का सूखा खत्म करेंगे। सारे पंडित ये कयास लगा रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में रोहित शर्मा आराम कर सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने मैदान पर उतरने का फैसला किया और ये फैसला उनका बहुत बड़ा फैसला साबित हुआ। 2020 के बाद से लेकर 23 जनवरी 2023 तक रोहित के बल्ले का हाल देखिए, कुल वनडे मैच 16, रन बनाए 515, औसत रही करीब 40 की, 4 हाफ सेंचुरी लगाई लेकिन शतक 0। इस बीच रोहित ने करीब 10 टेस्ट मैच भी खेला, लेकिन वहां भी शतक का सूखा खत्म नहीं हुआ। 24 जनवरी 2023 को ये सूखा खत्म हो गया। अच्छी बात तो ये रही कि कुछ ही महीने पहले विराट कोहली भी फॉर्म में लौटे थे और अब रोहित शर्मा भी फॉर्म में लौट आए हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, जैसे ही रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी वैसे ही सूर्य कुमार यादव सीट से खड़े होकर ताली बजा रहे थे। विराट से लेकर द्रविड़ तक सब रोहित की हौसला अफजाई कर रहे थे, रितिका की मुस्कुराहट नहीं रुक रही थी। हमेशा रोहित ने एक रिकॉर्ड को फॉलो किया, जब जब रोहित दोहरा शतक लगाते हैं तब तब उनका पहला शतक 30 ओवर के करीब आता है, लेकिन आज तो रोहित शर्मा ने 24वें ओवर में ही अपना शतक पूरा कर लिया और वो भी स्टाइल के साथ। ये शतक पूरा हुआ, रोहित शर्मा ने 101 रनों की पारी में 84 गेंदों का सामना किया। रोहित ने अपनी पारी में 9 चौके और 6 छक्के लगाए। 101 रन की पारी में 72 रन सिर्फ बाउंड्री से निकाले रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट करीब 119 के आसपास रहा। रोहित आउट हुए तो भारत का स्कोर था 212 रन और 24 ओवर का खेल अभी बाकी था, यानी रोहित शर्मा ने 2020 वाले स्टाइल में धमाल मचा दिया था और ऐसी नींव खड़ी कर दी थी जिससे भारत बहुत आराम से 400 के स्कोर को छू सकता था। रोहित के इस पारी में भरपूर साथ दे रहे थे शुभमन गिल। रोहित ने अपनी पूरी पारी में बहुत चालाकी दिखाई, इसलिए वो इतनी लंबी पारी में कन्वर्ट कर पाए। रोहित ने खराब गेंदों को डक किया और कमजोर गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाया। डैरिल मिशेल हूं या जैकब डफी, न्यूजीलैंड के सारे धुरंधर गेंदबाजों की इकॉनमी 10 के ऊपर चली गई। 2020 के बाद से भले ही रोहित ने लंबी पारी ना खेली हो, लेकिन उनके 75% रन बाउंड्री से ही आए थे और आज के मैच में भी ऐसा ही सीन रहा। रोहित की यह पारी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी दोनों के लिए एक जवाब था कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। उनके बल्ले में अभी भी बहुत आग बची है। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं?